और एक ये लाया हूँ, ये 90 रुपये का दिया और 20 रुपये का इसका रंग दिया, चिपका रहेगा तार बोल के रंग, वो 20 रुपये का है। और ये फोल्डिंग मशीन जो है 90 रुपये का है। माई तो चलो, मैं इस पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत। सैटरडे, कल है संडे, 2 दिन घर पर हूँ और क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ सब इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग में काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो बारिश हो रहा है यार, हमारी छत देखो पहले आप ये। तो गाइस, गाय काफ़ी हाइस्ट रहता हूँ और मेरी जो फलवारी है आप देख लो छत पे, आप देख रहे हैं छत पे कितनी हरियाली है मेरी इस समय। और इसके बारे में पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ, क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर जो है सब्जी वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत मैं आपको इस पर भी दिखा देता हूँ, पुदीना, घिया, बेल और भुज यानी कि पैठा, ये सब इसमें लगे पड़े हैं छोटे छोटे। बात करते हैं यहाँ की, तो ये भिंडी का पेड़ है भी, हमने भिंडी कम से कम आधा किलो के अनुमान 3 पेड़ों से निकाला है। पेड़ था ब्लॉग बनाने कुछ था नहीं, वैसे प्रोग्राम बनना था उत्तराखंड जाने का लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि हर जगह हो रही है बारिश भूस्खलन, तो इस समय जाना ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा नहीं जाऊँ, नहीं तो 2 दिन में जा रहा था भीमताल की ओर और कुछ काम भी था और वहाँ का कुछ ब्लॉग बनाना था। भीमताल में क्या है कि एक ज़मीन है, 7 नाली ज़मीन वहाँ बिकाऊ है, तो वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो मेरे को बोल रहे थे कि हमारी नाली ज़मीन है, अगर कोई ग्राहक मिले तो आप बताना। तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, अगर किसी को वहाँ का 7 नाली ज़मीन के बारे में पता करना है या फिर देखना है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको सारा विस्तारपूर्वक बता दूँगा। वैसे भीमताल में जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है लेकिन किसी की ज़मीन है वो बेच रहे हैं। और तो अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ होटल माना चाहते हैं तो बहुत बड़ी अच्छी जगह ज़मीन है, आप ले सकते हैं। बारिश भी आ गई तो आज मैं घर पर हूँ, तो चलते हैं थोड़ा मयूर घर के मार्केट भी आपको दिखाता हूँ, कुछ सामान मुझे लेनी है ज़रूरी, वो क्या लेने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलते हैं सीधा मार्केट में। तो गाइस, आ चुके हैं हम इस समय पटपड़गंज मार्केट, यानी कि मयूर घर के मार्केट यही है। और इस समय जो आप सीन देख रहे हैं पूरा बारिश का और झुकी हुई बारिश और इस तरफ से भी, तो अभी मैं इस तरफ से आया, तो ये है शीतला माता मंदिर मयूर विहार का, बहुत बढ़िया, जो कि आप देख सकते हैं जय हो माता की। तो गाइस, जैसे ही मार्केट गया और बारिश हो गई शुरू, तो कैमरे में शूट ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि कैमरा हो जाएगा ख़राब, इसलिए मैं सीधा आ गया घर सामान वामान लेके और मैं बताता हूँ आपको क्या क्या सामान लेके आया और क्या मुझे करना है। और पहले भी आते हैं एक कप चाय। सोल्डरिंग, तो सोल्डरिंग इसलिए लाया हूँ क्योंकि घर में मेरा कई काम है, जैसे कि मैं राइडिंग पर जाता हूँ, कैंपिंग करता हूँ, तो लाइट जो है ना कभी तार टूट जाते हैं, कभी कुछ होता है, तो उसको मैं सोल्डरिंग से ही ज्वाइंट करता हूँ। बार बार इलेक्ट्रिक की दुकान में जाना पड़ता है, ये इसको चिपका दो, इसको चिपका दो, एक टाके के 20 रुपये देने पड़ते हैं, तो न जाने कितने टाके लगाते रहता हूँ मैं महीने में। तो मैंने सोचा यार ये सोल्डरिंग आज मैं घर में खरीद लूँ और जो भी छोटे मोटे टाके हैं वो मैं घर में लगाऊँ। तो एक LED बल्ब लाया हूँ 250 रुपये का, 18 वाट का, और एक ये लाया हूँ, ये 90 रुपये का दिया और 20 रुपये का इसका रंग दिया, चिपकाने का जो तार बोलते हैं रंग, वो 20 रुपये का है। और ये सोल्डरिंग मशीन जो है 90 रुपये का है। तो अब हमारी जो है ना थोड़ा मुश्किल जो है हो गया, मतलब आसान हो गया है, जो बार बार मैं वहाँ चिपकाता था तो वो आज मैं घर पर ले आऊँ। तो आप जब देख सकते हैं ये है सोल्डरिंग मशीन इलेक्ट्रिक वाली, जितना मर्जी चिपकाओ और जैसा चिपकाओ, कहाँ पर चिपकाओ चिपकाते रहो। तो दिखाता हूँ आपको, आगे आप देखते रहिएगा। तो जैसा कि गाइज मैं घर पर बैठा हुआ था, अब आ गया हूँ मैं बाहर क्योंकि आज जो है ना बारिश बहुत झमझम झमझम बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हुई आज, आप देख रहे हैं पूरा गली जो है तर हो रखी है। तो इस समय जा रहा हूँ मैं मयूर विहार मार्केट में और सुबह से लगातार बारिश और इस समय थोड़ा राहत मिली है और शाम के बज रहे हैं इस समय ठीक 7 और नज़ारा देख रहे हैं मार्केट का, हुआ गजब यार गजब। तो इस समय लोग घूमने वाले रस फिर निकल गए हैं बाहर मार्केट में, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन घूमना है तो घूमना है, सामान खरीदना है तो खरीदना है। तो ये है मार्केट का, और आइसक्रीम की दुकान भी खुल चुकी है, थोड़ा मौसम ठीक है, लोग आइसक्रीम का भी मज़ा ले रहे हैं।
तो गाइस जो आप ये मार्केट देख रहे हैं ये है मयूर विहार फेस वन की मार्केट इस समय, और 7 बज चुके हैं और जैसे कि धीरे धीरे करके रौनक भी बढ़ती जा रही है। और जैसे कि नज़ारा मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ इस तरफ का, तो सामने है कुकुरदा नर्सिंग होम और इस तरफ को अगर जाते हैं तो चिल्ला गाँव की तरफ, तो चलते हैं आगे। जय हो प्रभु। तो ये है यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है मयूर विहार का, बहुत ही बढ़िया। और मैं जा रहा हूँ इस समय पेस्ट्री केक की दुकान। तो जैसा कि गाइज वहाँ से मैंने केक की बना, केक बहुत अच्छा बनाते हैं भैया और बहुत बढ़िया। तो ये जो तो गली है ना पूरा, ये गली में जो है पूरा कपड़े की दुकान। आज यहाँ पे बारिश की वजह से थोड़ा सा ठंडा माहौल थोड़ा सुनसान लग रहा है, लेकिन इतनी भीड़ होती नहीं यहाँ पर, क्या बताऊँ। तो जिस दुकान के नाम से यह गली फेमस हुई है मैं आपको दिखाता हूँ दुकान, एक एक करके फर्स्ट क्लास। और वो है ये दुकान सामने, जैन ग्रुप। तो इनकी वजह से पहले एक दुकान खुली, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, यानी कि अब यहाँ पर कम से कम एक साथ में नहीं भी है 70-80 दुकान एक साथ में यहाँ पर है। तो सारी सेल 175 रुपये सेल पैदा मगर वगैरह 100 रुपये क्या क्या मिलता है तुम्हारे यहाँ पे? ये बच्चों के कपड़े कितने कितने रुपये के ही? 100-100 रुपये की, 100 रुपये की सेल लगी, 100 रुपये की सेल लगी हुई यहाँ पर, तो बहुत ही सस्ता। और यानी कि ये रहा तुम्हारा जैन ग्रुप सेल, तो ये बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको अगर आप इसी इलाके में रहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं। और लेडीज अगर वगैरह खाने वगैरह भी है ये वाला तो मैं भी यहाँ पर आता हूँ और कभी कभी सामान यहाँ से लेता हूँ। और अगर आप भी इस इलाके में रहते हैं या आसपास रहते हैं तो यहाँ पर विजिट एक बार ज़रूर कीजिएगा, आइएगा, आपको अच्छे किफ़ायती पर यहाँ पर रेट पर आपको कपड़ा मिल जाएगा, चाहे जीन्स पैंट हो, चाहे बच्चों कपड़े हो, चाहे फैमिली कपड़े हो, और चादर चाहिए, तकिया चाहिए, और मतलब A1 आपको A to Z सारा सामान इसी मार्केट में मिल जाएगा पूरा आपको। और जैसे कि लेडीज़ वाला देखो, सूट देखो, एक से एक बढ़िया सूट यार, आ देखो पूरा आप देख सकते हैं जगह। और यहाँ पर भी देखो आप पूरा सेम। तो मैंने गलती कर दी, रात को लेट आया थोड़ा सा। तो ये है पूरा मार्केट का नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रताप नगर मार्केट में मयूर विहार फेस वन प्रताप नगर मार्केट है सामने, आचार्य निकेतन और प्रताप नगर। तो ये काफ़ी अच्छी सी मार्केट है और आज तो बारिश की वजह से यहाँ पर भीड़ नहीं है, वरना यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। और यहाँ पर एक बाज़ार लगता है मंडे बाज़ार, तो साग सब्ज़ी फल वगैरह वगैरह जो लेना है सभी लोग वहाँ से लेते हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज बारिश की वजह से फिर भी रश काफ़ी है और बारिश की वजह से यहाँ पर भीड़ बिल्कुल कम है आज। अब आगे हूँ मैं मेन चौराहे पर, तो इधर को रोड जाती है पटपरगंज मदर डेयरी को, और इधर को गई है आप ये चिल्ला गांव की तरफ। लीची अभी भी चल रहे हैं और सीज़न है इस समय, और फल देखो एक से एक बढ़िया जोरदार। ये पलम क्या रेट, क्या रेट चल रहा है? 40 रुपये पाव। बाप रे बाप, इतना महंगा। और ये नाशपाती 80 रुपये किलो। नाशपति 80 रुपये किलो, पुलम 40 रुपये पाव। यानी कि ये क्या रेट चल रहा भैया? 30 का पाव 50 का आधा किलो, यानी कि 100 रुपये किलो। ये सही है रेट, सस्ता है। पपीता, पपीता क्या रेट है? 70 रुपये किलो। अभी बीच में 40 चला था, आजकल महंगाई की वजह से, बरसात की वजह से 70 रुपये किलो। पूछते हैं यहाँ पर दशहरी आम के बारे में, दशहरी आम क्या रेट चल रहा है? 2 किलो से लेकर के अच्छा 120 रुपये किलो। 100 रुपये के 2 किलो दशहरी, ये सस्ता है, सही मतलब है। 50 रुपये से लेकर के 120 रुपये किलो आम सस्ता हो गया। आम बाकी चीज़ महंगे, आम सस्ता है रेट, बल्कि है मतलब जैसे क्वालिटी के डिफेक्ट होता है ना, बिल्कुल। जैसे चौंसा आम है बढ़िया क्वालिटी में, 150 रुपये किलो बिक रहा है। 150 रुपये किलो। थैंक यू भैया। नारियल तो आपको पता ही होगा 60-70 रुपये, इसका कोई उतार चढ़ाव नहीं चलता, ये सामान्य तौर है। तो चलते हैं आगे। तो ये थी मयूर विहार की मार्केट, और मैं अभी आगे जा रहा हूँ और थोड़ी बस सब्ज़ी लूँगा, फिर जाऊँगा उसके बाद घर। और अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो